पुलिस स्टेशन जाओगी मेरे खिलाफ, प्रतीक स्वायका के खिलाफ। आजमा कर देख लो प्रतीक। बहुत पछताओगी अभी, बहुत पछताओगी। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि स्वायका क्या कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगा है अमी, तुम मुझे तोड़ दोगी? इस लड़की से प्रॉब्लम है ना तुम्हें, इस नेहा से? यही है ना तुम्हारी प्रॉब्लम? तो अमृता, अब तुम भुगतो, जलो, मरो, क्योंकि मैं है प्रतीक स्वायका तुम्हारा हस्बैंड, आज से इस लड़की के साथ रहने जा रहा हूं। मैं नेहा के साथ रहने जा रहा हूं आज से। आजादी मुबारक हो प्रतीक। हाँ सोनाली दी, बहुत बड़ी न्यूज है। प्रतीक भाई घर छोड़ के चले गए हैं। व्हाट? हाँ दी, मैं भी हैरान हूँ। जाना तो अमृता दी को चाहिए था, फिर भाई कैसे चले गए? लेकिन वैसे भी स्वायकाज में कोई भी काम सीधा कहाँ होता है। सोनाली भाग क्या हुई है, तुम साफ साफ बताओ। दी आमी, मेरी बात सुनो। तुमसे कह रहा हूँ, मेरे और नेहा के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। पता नहीं क्यों वो स्टूपिड करवा चौथ का व्रत रखना चाहती थी। आई डोंट नो, मैं क्यों चला गया वहाँ पे। ओह माय गॉड, प्रतीक और नेहा का अफेयर। वैसे टू बी ऑनेस्ट, मुझे एक पल को शक हुआ था, बट दिस इज वेरी बैड। अमृता तो बुरी तरह टूट गई होगी। यादी, जो कुछ भी हो रहा है ना, सब गॉड की वजह से ही हो रहा है। सबक तो इन्हें मिल रहा है, चाहे हमारे हाथ में, चाहे जैसे भी। यू आर राइट सोनाली, जब दूसरों के पाँव में कांटा चुभता है ना, तो फिर सिंपथी दिखाना, उनका ऐसे में फायदा उठाना बहुत आसान होता है। लेकिन जब खुद के पाँव में वो कांटा गढ़ जाता है ना, तब दर्द का एहसास होता है। तरस आता है मुझे अमृता और प्रतीक पर, आखिर हैं तो अपने ही। मेरी मेडिटेशन का वक्त हो गया है, मैं फोन रखती हूँ, फिर बात करूंगी। ओके दी। डू नॉट वरी ब्रदर, तुम्हें मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ। आखिर मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं। इस राज के खुलने के पीछे तुम्हारा ही हाथ था ना? क्या बकवास कर रहे हो कुशा, मुझे कैसे मालूम होगा? मैं प्रतीक की पर्सनल लाइफ के बारे में कैसे जान सकती हूँ? जैसे उसे तुम्हारे बारे में पता था। आखिर खून तो एक ही है ना तुम दोनों स्वायकास का। कुशान, तुम मुझ पे बेवजह शक कर रहे हो। शक नहीं लावण्य, यकीन है तुम पर, इसलिए पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं कि ये सब तुमने ही किया है। कहां तक जाओगी अपने बदले? यू नो, मुझे हमेशा लगता था कि तुम एक बहुत इंटेलिजेंट वुमन हो, लेकिन डम हो तुम, जो अब तक ये नहीं समझ पाई कि अमृता तुम्हारी मदद कर रही थी। बेचारी अमृता, अच्छाई की बहुत बड़ी सजा मिली उसे। I
लड़की से प्रॉब्लम है ना तुम्हें, स्नेहा से? तो अमृता अब तुम भुगतो, चलो मरो, क्योंकि मैं है प्रतीक स्वाय का तुम्हारा हस्बैंड, आज से इस लड़की के साथ रहने जा रहा हूं। अमृता आंटी, मैं आपसे सिर्फ ये कहने आया हूं कि आप अपने आप को अकेला नहीं समझना। आई नो ये बहुत बड़ी बात है प्रतीक अंकल का इस तरह से घर से जाना, और यही बात आपको तकलीफ दे रही। बॉबी, दुख इस बात का नहीं है कि वो घर छोड़कर चले गए, वो फैसला उनका था। दुख इस बात का है कि उन्होंने मेरा विश्वास तोड़ा। दुख इस बात का है प्रतीक के साथ गुजारे हुए 20 साल अब मैले से लगने लगे। दुख इस बात का है कि मैंने अपना सब कुछ उन्हें दिया और वो इस बात की वैल्यू ही नहीं कर सके। मैंने अपने डैड को भी इसी दर्द से गुजरते देखा, मैं समझ सकता हूं। मैं सिर्फ यही कहूंगा आपसे कि I'm proud of you। आपने सही स्टैंड लिया। हेलो 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 मॉम, त्रिशा, त्रिशा कहाँ है तू? तू ठीक है ना? उन्होंने कुछ किया नहीं ना? मॉम, हाँ मैं ठीक हूँ। आप सुनो, मुझे मुझे किडनैप किया गया है और ये लोग मुझसे रैंसम मांगने को कह रहे हैं। मम्मा, कौन है वो बेटा? तू ठीक है ना? कितने पैसे चाहिए उसे? हम दे देंगे उसे। मॉम, अभी मैं आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती। आप बस भी टेंशन मत लीजिए, फिर जल्दी आपके पास आऊंगी और मैं आपको बाद में बताती हूँ कि कितने पैसे चाहिए और कब और कहाँ देने। और हाँ मॉम, आप कॉप्स को कुछ मत बताइएगा, नहीं तो ये प्रेम अंकल मुझे मार डालेंगे। मॉम, हेलो त्रिशु, हेलो लोगों ने जैसा बोला था वैसा मैंने कर दिया। जो भी सारे सच झूठ बोलने को बोले थे वो सब बोल दिए। अब तो मुझे जाने दोगे ना? मैं तुम्हारी बात बॉस तक पहुंचा दूंगा, आगे जो उनका फैसला। मां फोन कर रही है। जितना और जो बॉस ने बोला था उतनी बात तुम ऑलरेडी कर चुकी हो, बस अब और नहीं। क्या हो गया ये? क्या सोचा था? कहाँ पहुंच गया ये सब कुछ? मुझे उनकी बात पे कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। मेरी बच्ची, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तुझे वापस लेके आऊंगी। उन्हें पैसे चाहिए ना, मैं दे दूंगी, जितने चाहिए उतने दे दूंगी। मैं तुझे वापस ले आऊंगी, तू चिंता मत कर।
प्रॉपर लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकती क्योंकि फोन चलती गाड़ी से किया गया था, बट एरिया अलीबाग के आसपास का ही है। ओके सर, इसका मतलब कि त्रिशा और प्रेम अभी तक अलीबाग में, पर प्रेम हमसे बचने के लिए बार बार लोकेशन चेंज कर रहे हैं। अब क्या करें सर? हवन करेंगे। अलीबाग के सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर नाकाबंदी लगा दो, हम कल वहीं चलेंगे। राइट सर। मुझे कबीर से छुपाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कबीर ने पूछा तो क्या बताऊंगी उसे? हेलो अमृता जी, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ कबीर, मैं बाद में बात करती हूँ। अमृता जी, मैंने आपसे बस इतना पूछा कि आप ठीक है क्या, कहीं त्रिशा का? नहीं नहीं, आप मुझसे कुछ छुपा रही? नहीं कबीर, मैं कुछ नहीं छुपा रही। आप मुझसे ये नहीं छुपा रही कि त्रिशा का कॉल आपको आया था, उसने आपसे कहा कि किडनैपिंग के पीछे प्रेम का हाथ है और उसने रैंसम भी मांगा? आपको कैसे पता? आपने मेरा फोन टैप किया? उस पहले फोन कॉल के बाद आपका फोन टैप करना बहुत जरूरी था ताकि हम लोकेशन फाइंड आउट कर सके। आई एम सॉरी कबीर, मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए। त्रिशा ने कहा कि उन्होंने धमकी दी कि अगर हमने पुलिस को खबर कर दी तो वो उसे मार डालेंगे। मैं क्या करती कबीर? ऐसे केसेस में हमेशा ये होता है कि वो कहते हैं पुलिस को इन्फॉर्म ना करें, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म ना करके आप बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। लेकिन मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगा। जैसा आप चाहती हैं, लेकिन आपको भी मुझ पर भरोसा करना होगा अमृता जी, ठीक है? कबीर, जस के त्रिशा बैक, त्रिशा को वापस ले आओ। What's your problem? तुम जाते क्यों नहीं मेरे सामने से? क्यों सारा टाइम मेरे सामने बैठे रहते हो? वो गॉड से कहीं नहीं भाग के जाने वाली मैं। Just leave me alone. बॉस का ऑर्डर है। 5-star ट्रीटमेंट मिल रहा है। वेज नॉन वेज मिला के इतनी सारी डिशेस हैं। मेरी परवाह करने की बजाय आते क्यों नहीं? हाँ तो फ्री में नहीं दे रहे ये ट्रीटमेंट तो मुझे? मेरे पापा से पैसे लेने वाले हो, और अगर अपने बॉस का ऑर्डर इतना ही फॉलो करने का शौक है तो बाहर जाके करो, वहां बैठ के मेरे पे नजर रखो, लेकिन मेरे सामने से यहां से हट जाओ। सुना तुमने? हंगर स्ट्राइक करूंगी मैं, कुछ नहीं खाऊंगी मैं। और फिर तुम जानते हो ना तुम्हारा बॉस तुम्हारे साथ क्या करेगा? जाओ यहां से। सुना तुमने? जाओ यहां से। बॉस, सर खा रही ये लड़की मेरा, बस अब और नहीं होता। बॉस सिर्फ आप ये बताओ कि पैसा कब और कितने मंगवाने, निपटाओ इसका काम बॉस। ओके। बॉस ने एक सेफ लोकेशन ढूंढने के लिए कहा जहां तेरे बाप को बुलाएंगे। ये सब करने के बाद तेरे बाप को कॉल करना, इन सब में ज्यादा वक्त नहीं जाएगा, तब तक तुझे जो करना है कर ले। हाँ मॉम, सब कुछ फंटास्टिक हो गया है। प्रतीक अपनी वाइफ को छोड़ के मेरे पास आ गया है। मॉम, आप इतने परेशान क्यों रहते हो? वो प्रतीक स्वाई का है, एक ना एक दिन तो अपने घर पे लौटेगा ही, और जिस दिन लौटेगा उस दिन अमृता की विदाई होगी, और तब तक मैं प्रतीक को अपने प्यार के जाल में
कुछ इस तरह फांस लूंगी कि वो खुद मुझे अपने साथ स्वायका हाउस लेकर जाएगा। और मॉम, जिस दिन मेरी एंट्री स्वायका हाउस में हो जाएगी, तब धीरे धीरे सब हमारा हो जाएगा मम्मा। अब मम्मा, आई थिंक प्रतीक यहाँ पे आ गया है। आई टॉक टू यू लेटर। बाय मम्मा, लव यू। प्रतीक और अमृता स्वायका, आज पहली बार तुम्हारा घमंड तुम्हारे इस घर में चूर चूर होकर बिखरा हुआ दिखता है। गुड, वेरी गुड। आप बच्चों को देखने आए थे? नहीं, बच्चों से मिलने नहीं आई, तुमसे मिलने आई हूं। सुना, बुरा लग रहा होगा ना? सैड। सुना है तुम्हारा पति घर छोड़कर चला गया? दैट्स रियली सैड। कहां गया पता है? शायद नेहा के घर पर होगा। Now that's not right. सानिया को पता है? सानिया अगर पूछेगी कि मेरे पापा कहाँ हैं, मेरे पापा कहाँ हैं, तो क्या जवाब दोगे तुम अमृता? Good thing is कि सानिया को कुछ पता नहीं है। वैसे जब मेरे बच्चे तुम यहाँ उठाकर लाई थी, तब मुझसे क्या कहा था तुमने? कि मेरे घर का माहौल ठीक नहीं, वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं। तो इस वक्त तुम्हारे घर का माहौल कैसा है? बहुत खराब है। मेरा घर बेहतर था। मेरे घर में मेरे बच्चों के दोनों माँ बाप हैं। तो मेरे बच्चे ऐसे माहौल में नहीं रहेंगे। मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए। ओ, और कायदे से सानिया भी मेरे साथ जाएगी। दी, अपने ईगो को इतना बड़ा मत होने दीजिए कि उसके घेरे में अपने ही बच्चे आ जाएं। मेघन और बॉबी आप ही के बच्चे हैं। मैं उन पर हक नहीं जता रही हूं और ना ही कभी जताने की कोशिश करूंगी। दी, बच्चों को बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। वो चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, उन्हें अपने माँ बाप की जरूरत होती है। दी, आपने देखा नहीं, पर इन दो दिनों में आप मेघन और बॉबी को देख लीजिए, कितना बदलाव आया है इन दोनों में। मेघन ने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया और बॉबी तो अपने मामा से लड़ पड़ा सिर्फ मेरे खातिर। शायद इसलिए क्योंकि वो जानता है कि इस सब से कितना दर्द हो सकता है। दी, जरा सा वक्त बताइए अपने बच्चों के साथ और देखिए उन्हें। आप सोच भी नहीं सकेंगे कि अगर वो मेरे लिए, जो उनकी मामी है, उसके लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो आपका थोड़ा सा प्यार पाते ही वो आपके लिए क्या कुछ नहीं करेगा। अमृता, तुम मुझे नहीं बताओगी मुझे अपने बच्चे कैसे पालने चाहिए, उन्हें कैसे प्यार करना चाहिए। लीव इट, तुम अपना घर संभालो। दो दिन का वक्त है तुम्हारे पास, मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते तुम्हारे साथ सानिया होटल सी सेट पहुंच जाए और अपने पापा को अपनी नई मामा के साथ देखे। That will be tragic. होटल सीसेट के बारे में क्या पता है?
तुम्हें कुछ नहीं मालूम अमृता, तुम्हें कुछ पता नहीं होता। अमृता मैं हैरान हो जाती हूँ तुम्हारे इस भोलेपन से। मतलब इसीलिए ना तुम्हारा पति हो चाहे तुम्हारे बच्चे हो, तुम्हें शौक पे शौक, शौक पे शौक देते रहते हैं और तुम बस अपनी एक आदर्श इमेजिनेटिव दुनिया में रहते हो। तुम अपने इस आदर्शवादी इमेजिनेटिव वर्ल्ड से बाहर निकलो अमृता तो तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। मिसेस स्वाइकर, कबीर सर ने स्ट्रिक्टली कहा है हमें से कोई भी ऊपर नहीं जा सकता। किसी ने हमारे साथ मजाक किया, वो खबर झूठी थी, होक्स कॉल। इसका मतलब कबीर ने उस दिन झूठ कहा कि वहां कोई नहीं था, वहां प्रतीक थे नेहा के साथ। कबीर भाई, भाई कबीर।